हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग अगेन, दिस टाइम फ्रॉम स्वात। अभी मैं स्वात में हूँ और ये है स्वात का एक तहसील कबल। सारा ग्रीन है, अभी बारिश भी रात को हुई है, अभी भी बारिश का समय है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, साफ सुथरा क्लीन। बिलाल भाई ने एक्चुअली हमें यहाँ पे होस्ट किया है सवात कबल में और बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा है हमें आके और बहुत मज़ा आया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग रात को आए थे मिंगोरा सिटी और फिर अभी जो है यहाँ पे रात गुजारने के बाद अभी दिन का सुबह का आगाज़ हुआ है, तो हम आगे अभी जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे सवात के कुछ एरियाज़ को। स्वात को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है और जो अभी मैं आया हूँ, जो मैंने देखा है, तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं है। देखिए ये आप स्वात के गांव की खूबसूरती देखें। इसके अलावा ये है कि स्वात एजुकेशन के हवाले से बहुत आगे है और यहाँ पे जो तालीम का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। बिलाल भाई कह रहे कि आज जो है हम टूर करवाएंगे ये जो है ना वहाँ पे मरगुजार नाम का एरिया है, उसके अलावा मदियन बहरेन। अभी टाइम कम है हमारे पास, इतना दूर तो हम नहीं जा सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके वो आपको दिखा दें। ये भी आपको एक केद दिखाता हूँ, टमाटर दी। ये टमाटर की एक वो है, फील्ड है, टमाटर उगाए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इस बार जो 2 साल पहले मैं आया था, लेकिन इस बार जब मैं आया हूँ ना, तो काफ़ी यहाँ पे जो है ना डेवलपमेंट हुई है, मतलब रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुआ है। ये देखो हम एक गांव में खड़े हैं, इस वक्त ये एक गांव है, कबल जो तहसील है उसका भी एक गांव है, कबल से भी ये 6-7 किलोमीटर दूर इलाका है, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं बिजली का निज़ाम, सड़कें वगैरह सब जो है ना बेहतर हैं।
स्विट्जरलैंड और पाकिस्तान, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा था ना, तो मौसम भी बड़ा लश है। अभी हम नेक्स्ट हमारा स्टॉप है ये मरगोजार का। कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है बेस्ट जी। बादशाह भाई, आपके क्या विचार है इस बारे में? बहुत ही खूबसूरत मंजर है और वाकई के स्विट्जरलैंड से कम नहीं, और बारिश भी है, मौसम काफ़ी साफ है और बड़ा मज़ा आ रहा है। और एक और खुशखबरी है कि ये रोड, दो साल पहले मैं आया था ये रोड कच्चा था, बहुत ख़राब था, अब ये रोड स्ट्रेट जो मरगोजार जा रहा है ये भी बन चुका है। Welcome to Swat, the Switzerland of Pakistan. Let's explore the beauties of Swat. मिंगौरा से निकलने के सिर्फ 30 मिनट बाद हम यहाँ पहुँचे हैं मरगोजार। यहाँ पे शॉपिंग के लिए शॉप्स भी है जहाँ पे आप ट्रेडिशनल स्टफ बाय कर सकते हैं, और खाने पीने की भी बहुत सारे शॉप्स हैं और बहुत कुछ है यहाँ पे, और एरिया वंडरफुल मैन, आपने ये एरिया तो मिस ही नहीं करनी अगर आप सवात आते हैं। तो मिंगौरा से सिर्फ 30-40 मिनट में आप पहुँच जाते हैं, रोड भी अच्छा है और जो ग्रीनरी आप रास्ते में देखेंगे ना भाई, ये वाइट पैलेस जो है ये एक्चुअली एक होटल भी है, यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, और अगर आप वाकई एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ स्टे भी करें। और इसकी एंट्री फीस है सिर्फ 50 रुपये पर पर्सन, और इस 50 रुपये में आप कोल्ड ड्रिंक भी एक पी सकते हैं। तो बिलाल भाई ये बताएं कि क्या ख़ास बात है इसमें, सब खास खबर दे वाइट पैलेस चमंगूर तरफ लूज आपको एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग जो हिस्ट्री के बारे में एक फैक्ट है वो बताने जा रहा हूँ मैं, और वो ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले ये जो सबात है, दीर है, चित्राल है, ये एरियाज जो है ये एक्चुअली रियासतें थी, अलग मुल्क थे, यानी अलग स्टेट्स थे, तो यहाँ का जो है वाली होता था। तो ये जो वाइट पैलेस है ये बेसिकली वाली सबात जो था, यहाँ का जो रूलर था उसका ऑफिशियल, उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस थी, और ये बहुत ही खूबसूरत है, वाइट कलर का बना हुआ है अंदर, मेरे ख्याल से उसकी तमाम जो पिक्चर्स है, हिस्ट्री है, वो भी सारी यहाँ पे अंदर लिखी हुई है, पढ़ी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आया था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये पाकिस्तान के बाद जो है ये यहाँ पे वो बना है, पाकिस्तान का हिस्सा बना है, जैसे इंडिया में हैदराबाद एक अलग स्टेट थी, राजस्थान में स्टेट्स थी बहुत, कश्मीर अलग स्टेट थी, उस तरह पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे स्टेट्स थी, पंजाब में बहावलपुर अलग स्टेट थी, तो वो सारे फिर उसमें जो है पाकिस्तान में इंक्लूड हो गई, और उसकी तारीखी चीज़ें अभी भी वहाँ पर पड़ी हुई है। और एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे देखो ये दरख्त है ना, इसमें फ्रूट्स भी है, ये जो है मेरे ख्याल से ये भी कोई फ्रूट है, उस तरफ जो है वो एप्पल्स की दरख्त है।
जैसे मैंने आपको कहा कि ये बेसिकली एक होटल है, आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, वाइट पैलेस होटल के नाम से। और ये एक्चुअली वो भी है, यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगे हुए आप देख सकते हैं, ये वाली स्वाद जो थे उसके मुख्तलिफ पोर्ट्रेट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनकी ये तस्वीर पुरानी वाली है, एक ये है, और ये जो एक पोर्ट्रेट बना हुआ है ये बेसिकली इसी का डिज़ाइन है। और फिर इस तरह आप आगे जाएंगे तो लगा भाई जुड़े पुख्तो है कर गए थे। तो यहाँ पे रिसेप्शन वगैरह भी है, सारा कुछ है, खाने पीने का भी यहाँ सिस्टम है अंदर। और ये वही बाहर है, थोड़ा सा सिटिंग एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आप वो कर सकते हैं। और एक मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये चेयर, ये एक कुर्सी है, तो इस पे आप बैठ के यहाँ पे तस्वीर भी ले सकते हैं और इस तरह दिल्ली भी ले सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग मैन। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इसके साथ मैंने तस्वीरें ली थी, और ये भी वो पुराने ज़माने का ही है, इसमें किंग साहब जो हैं वो जुल्ले लेते थे।